यहाँ पर हम लोग पहले आ चुके हैं, और ये देखिए हमारी सिस्टर है, उनकी भी सिस्टर है, और ये जो दिख रहा है आपको काली वाली, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मेरे ख्याल से तो ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग फिर से घूमने के लिए आए हैं गोरखनाथ मंदिर। 6 बजे करीब, मतलब कि शाम हो गया था, 6 साढ़े 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे अपने रूम पर। थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा हिल गया, थोड़ा इस कारण शूट नहीं कर पाया, बढ़िया से वीडियो बना नहीं पाया, ठीक है। तो तब भी एंट्री मतलब कि मार दिए थे हम लोग जाने के लिए अच्छे से। हम लोग आते समय वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि समझ जाओ मेरे को क्या लग रहा था। ये देख सकते हैं सामने, इधर मतलब कि घुसेंगे तो अंदर जाने देंगे, लेकिन चेकिंग चलती है। तो चलिए मेन गेट आपको दिखाते हैं जहाँ से हम लोग घुसते हैं मंदिर के अंदर। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, मतलब कि बहुत तेज़ धूप ही था ना, तो गर्मी बहुत तेज़ था। अगर आप लोग को भी अगर आना है तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए बगल में जो कैमरा लेके जा रहा है मोबाइल लेके, ये भी मेरे साथ पर था। ये देखिए मंदिर है यहाँ का, जो हम लोग दर्शन करने के लिए आए थे। काफ़ी लोग आए थे, और कुछ मतलब कि एक चाइनीज भी आया था, मतलब चाइनीज पता नहीं कौन था कि उसके साथ मतलब सेल्फी ले रहे थे लोग ज़्यादा। ये देखिए पवन भाई है, और ये भी सेल्फी ले रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं। ये पुलिस वाले बोल रहे हैं कि पीठ पीछे करके सेल्फी ना लिया जाए। हम लोगों ने पहले ले रखा था, लेकिन इनको क्या पता कि अब हम लोग यहाँ से हम लोग चिड़ियाघर आ गए। वहाँ से हम लोग ऑटो में बैठ के चिड़ियाघर आ गए, लेकिन बारिश हुआ था, काफ़ी कम बारिश हुआ था, इतना तेज़ नहीं हुआ था, नॉर्मल टाइप चल रही। जो बीच वाली जो आगे आगे जा रही है वो, और काफ़ी मतलब कि चिड़ियाघर में हम लोग आ चुके थे, लेकिन यहाँ का जो जानवर जो होता है ना, काफ़ी मतलब कि इतना कुछ था नहीं खास देखने के लिए, कुछ भी इतना खास नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा बहुत जो भी आए तो देख ही लेते हैं। और जो फीस था हमारा जो लगा था एक आदमी का, मतलब कि 50 रुपये लगा था, तो हम लोग 7 आदमी थे, तो 350 रुपये मतलब कि आसपास के करीब लग गया था यहाँ पे। और देखने को खास इतना कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं। ये देखिए बत्तख है कि क्या है पता नहीं, वहाँ लिखा हुआ था कुछ, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। और ये मैडम खाली मेरे पीछे लगी है पता नहीं क्यों। ये देखिए पक्षी है, ये भालू है यहाँ पे, तो भालू को पता नहीं कौन सा नशा ही कर रखा था, जो अपना सिर बार बार घुमाया जा रहा था। लगता है कि देसी अंग्रेजी शराब पी रखा था इसने भी, चिड़ियाघर वाले ने, जो सेफ्टी जो होते हैं इन लोगों के ना, लोगों ने शायद इन लोगों को पिला रखा था। मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बार, ये देख लो, ये अपना सिर जो अपना इधर से कोई बोल रहा था कि लुंगी डांस कर रहा है, ये लुंगी डांस नहीं है तो भाई। और इसने भी पता नहीं क्या नशा कर रखा था जानवर ने, देखो इधर से उधर। देखिए पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, वही कर रहा है शायद। इसने भी लगता है देसी शराब लगा रखा था। ये देखिए हमारी सिस्टर है, उनकी भी सिस्टर है, और ये जो दिख रहा है आपको काली वाली, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि उसका भैया था ना और बाकी लोग भी थे, तो मैं इससे बात बिल्कुल भी कर नहीं पाया, ठीक है। लास्ट में जो शाम को बात हुआ, थोड़ा मोड़ा बात हुआ था। ये देखिए उनके भैया हैं, उनके दोस्त। यहाँ पे हम लोग आते हैं, आगे चलते तो हम लोगों को शेर मिलता है यहाँ पे, देखिए सोली सोली बड़ा हो जा रहा है ना, लेकिन सोली सोली बड़ा नहीं हो रहा है, वो सोली सोली उतना ही कि उतना ही, ठीक है। मैं जूम किया ना, ये देखो ज़्यादा जूम करने से कैमरा फट जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा जूम ही नहीं किया, ठीक है। पता नहीं मुंह फाड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ जा रही है। अगर जिंदा इंसान मिल जाएगा तो खाया कच्चा कच्चा चबा जाएगा। वो उनका घर है, वहाँ पे वो लोग घुस जाते हैं। ये देखिए सबसे महाकाल, मतलब कि दूसरा वाला जो चीता होता है ना, सबसे बड़ा वाला,
वो यहाँ पे बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर लगता है, ये लाइट की वजह से इतना जो चमक रहा है ना, कुछ ऐसा कुछ खास है ये नहीं, इसे लाइट की वजह से इतना चमकता रहता है मछली सब। मछलियाँ सब वही नॉर्मल है, पर वो लाइट जो लगता है ना, तो उसी से मतलब मछलियाँ बहुत चमकती है। बहुत मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ खूब है। बड़ी मछली अगर होती ना तो देखने में थोड़ा अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगता देखने में। ये देखो ये हंसेगा, देखो हंस लिया, हो गया ऐसा काम। यहाँ पर मैं 2 बार आ चुका हूँ, ये मेरा 3रा बार हो गया। पहली बार जब आया था तो मेरे पास इतना मतलब कि वो नॉलेज नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, यूट्यूब मेरा था नहीं उस टाइम। मेरी सिस्टम में कुछ बोल रही है कि वो तुमसे बात करना चाह रहे, तुम क्यों भाग रहे हो उधर। तो मैंने कहा कि टाइम नहीं है मेरे पास, कैसे